सूरत उल कौसर में
तीन चीजें बयान हुई, इन्ना आतैना कल कौसर शान रिसालत है। फसल्ले रब्बे का वन हर प्रोग्राम रिसालत है। इन्ना शान का हुआ लवतर अंजाम दुश्मनान रिसालत। शाने रिसालत के ना आतैना कल कौसर, मेरे लाडले पैगंबर हमने आपको कौसर अता की है। बाज मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह ताला ने अल कौसर के 26 माने बयान किए, लेकिन सब का मतलब एक ही है, अपना अपना ज़ौक ताबीर तहकीक तदकीक है। कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा हौज़े कौसर क़यामत के दिन मेरे मिंबर पे होगा। तो मदीना मुनव्वरा की जो जमीन है, जो जगह है, जो इलाका है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसे जन्नत में तब्दील फरमा देंगे। अब भी मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तु मिन रियाज़िल जन्ना, फरमा मेरे घर और मिंबर के दरमियान जितनी जगह है ये सब जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है, जिसे रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। वो हौज़े कौसर का पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा, मक्खन और रूई से ज्यादा नरम होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा लेकिन तस्कीन बख्श और दूध से ज्यादा सफेद होगा। जो एक दफा पी लेगा फिर दोबारा प्यास नहीं लगेगी। एक तो कमाल हौज़े कौसर का, दूसरा कमाल मेरे आका के हाथ मुबारक का, जो अपनी मोहब्बत और प्यार से अपनी थकी हुई उम्मत को बतौर मेहमानी और इस्तकबालिया के पिलाएंगे, उसकी वजह से और उसकी लज्जत में जायके में इजाफा हो जाएगा। हौज़े कौसर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अल्लाह का एक ऐसा इनाम है कि अल्लाह ने फरमा मैंने फला को यूं दिया यूं दिया यूं दिया, लेकिन मेरे लाडले पैगंबर जब आपकी बारी आई तो हमने फिर अनगिन बेशुमार गैर महदूद लामुतनाही अदा किया। इन्ना अतैना कल कौसर, यहां होना ये चाहिए था लफ्ज कि हम देंगे, लेकिन रब ने फरमा हमने दे दिया। इतना बड़ा एहसान कि
क्या दे दी है, कोई कोशिश और तमन्ना भी ना करे कि मुझे मिले, कोई हसद भी ना करे, बस हमने दे दी है। और जब हम कोई चीज दे देते हैं फिर कोई उसमें रुकावट नहीं बन सकता, और जिसमें हम रुकावट बने कोई दे नहीं सकता। ला मान्य लिमा आतैत वला मोती लिमा मना, देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। वो दरवाजा बंद कर दे तो खोल नहीं सकता, खोल दे तो बंद नहीं कर सकता। और इंसान का अकीदा ये होना चाहिए कि पूरी जिंदगी एक चीज मांग रहा है, अल्लाह ने उसका दरवाजा नहीं खोला, इसने मांगना नहीं छोड़ना। या अल्लाह पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाए और फला नेमत तू न दे, दरवाजा न खोले, तो मैंने दरवाजा छोड़ना नहीं। ये क्या तेरा काम है दरवाजा बंद करना और खोलना, और मेरा काम है तेरे दरवाजे को छोड़ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा तो आखिर औलाद मिल गई, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा तो सेहत मिल गई, यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह दर्द नहीं छोड़ा तो आखिर मछली के पेट से बाहर आ गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा तो बिछड़ा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर नहीं छोड़ा, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जैसे दुश्मन कैसे दोस्त बन गए कि आज भी रोजे में साथ आराम कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा दर एक ही दर है, न वहां जिल्लत है, न वहां रुस्वाई है, न वहां शर्मिंदगी है, न वहां कोई परेशानी है। तेरा कर्म है कि तूने अपना दरवाजा हमारे लिए बनाया है, तो हमने आपको दे दिए हौज़े कौसर। फसल ले रब्बिका वन्हार, दो काम हमारे जिम्मे है कि हौज़े कौसर हमने दी और आपका दुश्मन उसको तुम कटा बनाया, कोई उसकी नस्ल आगे नहीं, कोई याद करने वाला नहीं है। कितनी सदियां गुजर गई और गुजर जाएंगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी जो औलाद है चाहे वो हकीकी है चाहे वो उम्मत वाली रूहानी औलाद है, वो जारी और सारी रहेगी, अता कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत आसमान से जब आएगी पैगंबर होके, पैगंबर होके आके वो कलमा आपका पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह आपका कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नहीं चलेगा, पांच नमाजें 30 रोजे 40वां हिस्सा ज़कात 10वां हिस्सा उशर आकदा कुर्बानी के अहकाम कबिल तो जमी या अहकाम ही, आपका दुश्मन जो है उसमें कोई नस्ल आगे नहीं चलेगी, आपका बेटा अब्दुल्ला हो तैयब हो ताहिर हो इब्राहिम हो रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अगर जल्दी तशरीफ ले गए, मौत आ गई, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, तो ये नहीं कि आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। आपकी बेटियों की तरफ से हुसैन और हसन के साथ कौन मुकाबला करेगा रज़ी अल्लाह अन्हु,
उमामा रजी अल्लाह तआला के साथ कौन मुकाबला कर सकता है। फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया रजी अल्लाह तआला से कौन मुकाबला कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो दो काम आप करें ना, फसल्ले रब्बे वनहर, और दो काम हमने किए, इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना शानेका। मैं एक मदरसे में पढ़ता था, जोर के बाद तकरीर थी, जलसा था, रात जलसा होता था और जोर के बाद भी उस्ताद एक तकरीर कराता था। तो जोर के बाद अब वहां बहुत बड़ी मस्जिद है, मैंने वहां कई दफा बयान किया बिफज़लिल्लाह, उस जगह पे बैठ के मैंने 4 साल पढ़ा। तो जोर के बाद तकरीर थी, एक मौला अब्दुल कय्यूम गालिबन कुरैशी रहमहुल्लाह तशरीफ लाए और उन्होंने सूरह कौसर बयान की जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। और इस बात को कम अज कम 39 साल हो गए या 40 साल हो गए, तो सब आमीन कहना, बड़े अरसे से वो फौत हो गए, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो उनकी कब्र, आमीन। और आज का मेरा बयान जो उनसे उस वक्त सुना था और आज बयान कर रहा हूं, अल्लाह पाक उनके लिए जरिए निजात बनाए, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल, आमीन। फसल रब्बे का वनहर, मेरे लाडले पैगंबर हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दी। लोग गैर अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, आप अपनी उम्मत को समझा दें फसल रब्बे, अपने रब के लिए नमाज पढ़नी है, सजदे रुकू रब के लिए करना, समझना। और लोग गैर अल्लाह के नाम पे नजरो न्याज मन्नत मनोती चढ़ावे, जानवर और अनाज गैर अल्लाह के नाम पे देते हैं, मन हर आपने कुर्बानी करनी है, आपने खर्च करना है, वो भी अल्लाह की रजा के लिए करना है। तो गोया आपको कौशल अदा की, आप तौहीद में बहुत मजबूत हैं और आपकी उम्मत को हौज़े कौशल से पीना नसीब होगा, जिसमें दो चीजें होगी, फसल्ले रब्बे बदनी इबादत अल्लाह के लिए, मन हर और माली इबादत भी अल्लाह के लिए। कुरान मुकद्दस अल कुरान मुफस्सिर बाज़ा, कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ की तफसीर करता है, इसकी जरा तफसीर हम कुरान मजीद से निकालते हैं। फसल ले रब्बे वनहर, नमाज पढ़ अपने रब की रजा के लिए और कुर्बानी भी कर अपने रब की रजा के लिए। बाल हजरात वनहर से मुराद सीने पे हाथ बांधना मुराद लेते हैं, लेकिन उनकी ये तहकीक सही नहीं है, क्योंकि मर्द के लिए नाफ पे हाथ बांधना ये सुन्नत है और औरत के लिए सीने पे बांधना। तो वनहर का ये तर्जमा कि सीने पे हाथ बांधो, ये तफसीर सही नहीं है। और बाज वनहर से मुराद लेते हैं रुकू सुजूद में रफा यदैन, ये तफसीर भी गलत है। यहां आप समझे फसल ले रब्बे बदनी इबादत, तो आगे न रफा यदैन का जिक्र है, न सीने पे हाथ बांधने का जिक्र है, खुद भी इंसान सोचे कि वनहर आगे माली इबादत का जिक्र है कि बदनी इबादत भी अल्लाह के लिए और माली इबादत भी अल्लाह ही के लिए है। कार साल हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ी बनाने वाला लजपार सब कुछ करने वाला मुफी मुबीर जिंदगी देने वाला मौत देने वाला
सेहत और मर्ज देने वाला अल्लाह ही है, तो फसल्ले ले रब्बे, इबादत की उसी, उसमें कोई मिलावट नहीं। वान नकार और कुर्बानी और मानी जितनी इबादत है सब उसी फसल्ले ले रब्बे, बदनी इबादत की सरदार, वन हर माली इबादत की सरदार, दो दो हेड और सरदार दो बयान कर दिए, माली और बदनी, और हेड का जिक्र कर दिया, सरदार का जिक्र कर दिया कि सारी बदनी इबादतें अल्लाह के लिए, सारी माली इबादतें भी अल्लाह के लिए। मुशरिकीन मक्का का अकीदा था अनाज हो, खेती बाड़ी, गल्ला, जानवर गैर अल्लाह के नाम पे मुकर्र कर देते थे, किसी का नाम बखीरा, किसी का साहिबा, किसी का वसीला, किसी का बाप, और ये जेल में रखना कि सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ने एक चीज हराम की उसको हलाल करना, हलाल किया उसको हराम करना। और फिर उन मुशरिकीन मक्का का कीता था जो गैर अल्लाह के नाम का है इतना खतरनाक है ये अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो अल्लाह के नाम का है गैर अल्लाह की तरफ जा सकता था, यानी अल्लाह से वो डर नहीं जो गैर अल्लाह से डर है। आज कई लोग अल्लाह सबको हिदायत दे, जो नमाज रोजा जकात हज विरासत सच बोलना अमानत दयानत इसकी परवाह नहीं, गैर अल्लाह के नाम पे वो दस को हो, वो ग्यारह को हो, वो बारह का हो, वो रजब में हो, वो शाबान पे हो, वो मुहर्रम में हो, गैर अल्लाह के नाम की नजर व नियाज उसकी बहुत फिक्र है, उसमें नामा न हो, वरना भैंसों का दूध खुशक हो जाएगा, गायों का दूध खुशक हो जाएगा। ये सब शैतान रहनुमाई करता है, इसलिए फसल लेने रब्बे बदनी इबादत अपने रब की ही कर, वन हर और कुर्बानी और माली इबादत भी अल्लाह ही की करनी है। यकीन करना इंसान दुनिया का बादशाह है जब अल्लाह की तौहीद समझ आ जाए, पूरी दुनिया टिल लगाए एक बार टेढ़ा नहीं कर सकती, और पूरी दुनिया एक आदमी के बारे जोर लगाए इसका बाल सीधा कर दे कोई नहीं कर सकता। सब कुछ बेइज़्निल्लाह 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 बेइज़्निल्लाह। क़यामत का दिन होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक से हौज़े कौसर से पानी पिला रहे हैं। अगर कभी आप पे कोई सवाल करे कि यार एक बात का जवाब दो, खतीब कहते हैं अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक का जिक्र किया, किया क्या? वकीली यार पे नहाउलाए को मिला है। फरमा मुझे अपने पैगंबर की जबान की कसम, जब वो ये कहते हैं ऐ रब मेरे ये कौम है ईमान नहीं लाती इन्हें हिदायत दे, जबान की कसम अल्लाह ने उठाई। कल मैं तुलबाए किराम को पढ़ा रहा था कि कुरान बड़ी मीठी चीज है, समझ आ जाए तो शायद क्या चीज है कुरान के मुकाबले में, लेकिन रब्बे ज़ुल्जलाल क्या फरमाते हैं सूरह मरियम के आखिर में, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसान, इसका आसान माना और मुहावरे का माना याद रखना, सूरह मरियम आखिर में फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसान। आप सब ने सुभान अल्लाह कह दिया, नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मोहब्बत है, मैंने ऐसे नहीं कहा कि अगर मोहब्बत है, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मोहब्बत है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। कुरान ने क्या कहा, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसान,
मेरे लाडे पैगंबर, कुरान में मिठास थी लेकिन जब आपकी जबान से निकला तो मिठास में इजाफा हुआ। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद बड़ी मीठी जबान है। सुभान सुभान। लेकिन फैन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि, हमने जब आपकी जबान पे इसको जारी किया इसकी मिठास में इजाफा हो गया, इसकी इज्जत में इजाफा हो गया, इसके सबूत में इजाफा हो गया, इसके करार में इजाफा हो गया। ले तो बशर बिल मुत्तकीन, ताकि आप इसके जरिए परहेजगारों को खुशखबरी दें तुम्हारे लिए जन्नत है। वतुंजिर बिही कौमन लुद्दा, झगड़ालू कौम को डराए। तौहीद में झगड़ा करने वालों, हक में नबूवत में झगड़ा करने वालों, क़यामत में इनकार करने वालों, याद रखना तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है। तौबा कर लो तो बच जाओ। तो क़यामत के दिन मेरे आका हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे, वो अजीब घड़ी होगी। मेरे आका ने फरमा, अगर चाहो कि दुनिया में क़यामत को देख लो तो सूरह इसकी तिलावत करो और तर्जमा पढ़ो, क़यामत का मंजर सामने आ जाए। तो हौज़े कौसर के बारे में अगर दिल को मुतमईन करना है कि मजीद मुतमईन हो जाए, ईमान बढ़े, तो सूरह कौसर की तिलावत किया। इन्ना अतैना कल कौसर, जो आदमी सूरह कौसर की तिलावत बावजूद 1.25 लाख दफा करे, चाहे जितने दिन लग जाए, यकीन से करे, इसी दौरान या बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब हो जाती है। यकीन से करे, कोई शक ना करे, बस इसके बाद जियारत ना हो, ऐसे नहीं होगा। देर हो सकती है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जियारत जरूर हो जाती है। तो मैं अर्ज करने लगा था जो बात, कि अगर कोई कहे कि जबान का भी जिक्र है, पांव का भी जिक्र है, सीने का भी जिक्र है, और आपके दिल का भी जिक्र है, आपकी आंखों का भी कुरान में जिक्र है, चेहरे का जिक्र है, जुल्फों का जिक्र है, तो साजी आपके हाथों का जिक्र कुरान में कहां है? नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब के, गोता लगा के, गहराई में जाके बात कर रहा हूं। कोई भी कहे लाउक से हाजल बलद, पांव का जिक्र है, वकील ही जबान का जिक्र है, बस जो हाचेरे का जिक्र है, वल्लई निजा सजा जुल्फों का जिक्र है, माजा अल बसर व मा तगा आंखों का जिक्र है, फला उत्सव में बबा के वजूब दिल का जिक्र है। लाबरों का आपकी जवानी की कसम अल्लाह ने उठाई है, दांत या सीन दांतों का जिक्र आया है। तो साजी हाथ तो जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। मेरे आका ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की दुखती हुई आंख पे लगाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंख ठीक हो गई। सुभान अल्लाह सुभान। एक उस बकरी पे जो दूध नहीं देती, हाथ फेरा तो उसका दूध संभाला ही नहीं गया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मां के भी हाथ उठाए तो मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। उसका जिक्र कुरान में कहा है। वाह, दावे से और तसल्ली से कह देना, इल्ला अतैना अल कौसर। सुभान, हमने आपको कौसर अता की। क्यों अता की हौज़े कौसर? अपने हाथ मुबारक से अपनी उम्मत को पानी पिला। सुभान। एक आदमी दावत करे, जितने दावत खाने वाले आए आप खिला रहे, लेकिन जो दावत देने वाला है, जिसके बेटे की शादी है या बेटी की, वो अपने हाथ से खिलाए, उसका कुछ और मजा हो, कुछ और मकाम हो। फरमा क़यामत के दिन मेरे आका हौज़े कौसर का पानी अपने हाथ मुबारक से पिलाएंगे।
बता कि कौसर, इसमें मेरे आका के हाथ मुबारक का जिक्र है कि उसे कौसर से आपने पानी पिलाना है और अपने हाथ मुबारक से पिलाना है। सुभान अल्लाह। वजीब खड़िया हुआ मैदान मार्शल और जो जुदा हो गए वो मिलेंगे, जिनसे फिराक हुआ वो विशाल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कैसा वो मंजर होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से हौज़े कौसर से अपने उम्मत को पानी पिला रहे हैं, जो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मक्खन से ज्यादा नरम, एक दफा पीने से फिर कभी भी प्यास नहीं लगी। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई माजरत करे माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया, अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देंगे। और कोई माफी मांगे अगर माफ ना करो तो याद रखना मेरी उम्मत को अगर माफ ना किया क़यामत के दिन फिर हौज़े कौसर से पानी नहीं पियोगे। फरमा दाढ़ी बढ़ाओ पूछे ना बढ़ाओ, आज ऐसी पूछे नजर आती है कई नौजवानों की कई बूढ़ों की, मियावाली और अटक के इलाके में और सिंध में ये दरिद्रे लग रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया जिसने अपनी मूंछों को बड़ा किया मन तब बल अशार हो के बबे सला लम यल शफाती वलम यशरब मिन हौजी वसल्लत रहू नकीरम फमुनकिरा, मेरी शफात भी नसीब नहीं होगी इस वजह से और हौजे कौसर से पानी पीना भी नसीब नहीं होगा। और नकीर मुनकर कबर में अजाब, दाढ़ी कम अज कम मुट्ठी बराबर और मूछों पे जोर नहीं है, दाढ़ी पे जोर। तो मेरे आका ने फरमा मैं देखूंगा कि कुछ लोग आ रहे हैं सफेद दाढ़ियां, क्योंकि जन्नत में जाने के बाद फिर दाढ़ी वाला मंजर नहीं होगा, ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुई है तो दाढ़ियां है, वरना जो जन्नत में जाएगा तो दाढ़ी नहीं, 33 साल की नौजवान की उम्र नजर आए। फरमा मैं देखूंगा वो आ रहे हैं मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया जाओ मेरे उम्मती आ रहे हैं, दुनिया दारुल आमाल है आखिरत दारुल जजा है। मैं कहा करता हूं यहां सच्ची की जबान से खुशबू नहीं और बुरे की जबान से बदबू नहीं है, बदमाश की इधर नहीं लिखा हुआ बेगैरत है और नेकोकार की पेशानी पे नहीं लिखा हुआ कि नेक है, हराम खाने वाले के दरवाजे पे नहीं लिखा हुआ हराम खोर और हलाल खाने वाले के दरवाजे पे नहीं लिखा हुआ हलाल, क्योंकि दारुल आमाल है यहां पर्दे हैं, वहां पर्दे सारे खुल जाएंगे। फरमाया जब वो आ रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमा मेरे और उनके दरमियान फिर पर्दा आ जाएगा, मुझे वो नजर नहीं आएगा। मेरे आका फरमाते मैं परेशान हो जाऊंगा, अल्लाह ने आपको खबर दी कि आप परेशान हो जाएंगे, आ रहे थे मेरे उम्मती किधर गए, दाढ़ियां भी चेहरे भी सफेद तो मालूम हुआ, फकत दाढ़ी का होना चेहरे का सफेद होना ये दलील नहीं है कि ये जन्नती है, रंग का काला होना ये दलील नहीं कि नाकाम होगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा काला कोई नहीं, लेकिन जन्नत की हूरें भी रश करती है। बिलाल हमारे मुकद्दर में आए रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया कि वो दरमियान में पर्दा आ जाएगा, फरमाया मैं परेशान हो जाऊंगा कि मेरे उम्मती आ रहे थे मैंने पानी पिलाना था और जन्नत में भेजना था। हदीस है बुखारी शरीफ की, फरमा फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाएंगे इन्नका ला तदरी इन्नका ला तदरी मा अहदसहु बादक, मेरे लाले पैगंबर चेहरे भी सफेद दाढ़ियां भी सफेद है, आ रहे थे आप खुश हो गए थके हुए हैं अभी पानी पिलाऊंगा, ये दारुल जज़ा दारुल आमाल नहीं, वम्ताद यौमा अय्युहल मुजरिमून,
مواحد علیحدہ، سچی علیحدہ، سنی علیحدہ، سنت کی تابعدار علیحدہ، حق والی علیحدہ. وامتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ، یہ دار الجزا ہے. انک لا تدری، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو پتا نہیں، اذان سے پہلے بدعت، جنازے کے بعد بدعت، دفن کے بعد بدعت، خوشی میں بدعت، غمی میں بدعت، زندگی گزارنے میں بدعت، رجب میں بدعت، محرم میں بدعت، ربیع الاول میں بدعت، رمضان میں بدعت. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہیں کیا بدعت گھڑی تھی. ہم ہیں عقیدے والے، عقیدے پہ محنت کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی مشرک بھی بیٹھا ہو، بتی بھی بیٹھا ہو، جیسا بھی، ہم نفرت نہیں کرتے. ہماری نفرت اس کے عقیدے سے ہے، اس سے نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، فضل و کرم سے زندگی میں کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بخاری شریف کھول کے بیٹھا ہوں، یعنی پڑھ رہا ہوں بخاری شریف، آپ یہ نقطہ سمجھیں کہ جب یہ کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات گھڑی تھی دین میں، آپ کو نہیں پتا، تو یہ مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں ہر سوار کو نبی علیہ السلام کے سامنے امت کے اعمال پیش کی جاتے ہیں. آپ قبر مبارک میں ہیں تو پتہ ہے فلاں امتی کیا کر رہا ہے، فلاں امتی کیا کر رہا ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے. اگر یہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ جو آ رہے ہیں یہ بدعتی ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا بدعات گھڑی. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہو تو پھر کوئی بھی بدعت ہو اس سے نفرت، اور بدعتی سے نفرت، اور اس میں کبھی بھی شرکت نہیں کرتا. پھر میرے آقا جب یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی ہے، اذان دو جو مکہ اور مدینہ منورہ میں ہے، جنازہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تدفین وہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اور خوشی اور غمی کے جو اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب سنیں گے کہ یہ بدعتی ہے، حالانکہ داڑیاں ہیں، چہرے خوبصورت ہے، اس سے کام نہیں بنے گا، میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. اتنا جلیل القدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی میٹھی زبان، اتنا اخلاق، اتنا کردار، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا احسان، اتنی مٹھاس، لیکن جب سنیں گے کہ یہ بدعتی ہے تو کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، لعنت 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 اس پہ جس نے میرے دین میں تبدیلی کی. میرے آقا علیہ السلام نے چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، خوشی غمی کا طریقہ بتایا، سفر حضر بتایا، تو جو چیز نہیں بتائی صحابہ کرام نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. وہ کرنے والا آدمی کہنے کی وہ نہیں، بس اس طرح کر دیتے ہیں، نیت صاف ہے، اس میں نیت صاف کا بھی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی پتھر دے کسی کو اور نیت کرنے کے لیے سونا ہے تو وہ سونا بن جائے گا. اس لیے فصل میرے رب پہ، میرے لاڈلے پیغمبر، نماز اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی رب کے لیے. ان شانئک کا ہو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ تم کٹا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی. کل 25 دسمبر ہے،
ईसाइयों की ईद है, क्रिसमस से कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इज्तिमा, रूहानी शख्सियत के लिए इज्तिमा, आज का सादा मुसलमान नहीं, मैं आम नहीं बात कर रहा, आज का वजीर आला, वजीर आजम और कई उलमाए सू जो वक्त के इब्न है, वो भी केक काटते हैं, वो भी मुबारक देते हैं। मुझे एक चीज का जवाब दो कि हम जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन कुर्बानियां करते हैं, कभी आपकी खुशी के लिए ईसाई ने भी कुर्बानी की है? वो तो आपकी खुशी के लिए नहीं करते। और आज का नौजवान कहते भी मेरी दोस्ती है, इसलिए मैंने बेकरी के बाहर, दुकान के बाहर मैंने मुबारक नहीं की। और आज का सियासी बदबख्त केक काट रहा होता है उनको खुश करने के लिए। और हदीस का ये हिस्सा याद नहीं, ला ताअत अल मखलूक फी मासियत अल खालिक, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो, मखलूक राजी हो, ऐसी रजा पे लाना, अल्लाह को नाराज करना और मखलूक को राजी करना, उनकी किसी सबील में जाना, उनकी किसी खुशी में जाना, उस दिन हंस के मिलना, मुबारक मुबारक मुबारक। मौलवी बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हयाती हो, ममाती हो, छोटा हो, बड़ा हो, जब वो बिक जाता है ना, बिक जाता है हुकूमत के आगे, उनके खुश करने के लिए ईसाइयों की क्रिसमस, इसमें भी मुबारक दे रहा होता है, केक काटना होता है। सुनो, 4 इमाम है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, चारों का फतवा है कि जो इसमें मुबारक दे, मुबारक दे और इसको जायज समझ के दे, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ईदें 2 हैं, उन्होंने 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन बताया। हालांकि रात में बड़ी अहम किताबों का मुताला कर रहा था कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बन ही नहीं है। अगर तारीख के आईने में देखा जाए, जुलाई अगस्त बनती है, अगर बहुत पीछे चले जाए, और वो भी कुरान की आयत महुसी ये लय के बेचिस नखरा तो साबित आलई की रुता बन जनिया इलादा खजूर के तने को ताजा खजूर है, तो वो जुलाई अगस्त में होती है, उस वक्त आपकी विलादत हुई। दिसंबर में विलादत है ही नहीं, अपनी तरफ से बना रखी है। ये जो मैंने बात की जरा ज़हन में बिठाना, जो मैंने जुलाई अगस्त की बात की, बहुत सी ये है कि बेचे देर नखला तो साबित आ रही कि रुदा बन जली क्या। वरना मजूर है बच्चे रोटी रहमतुल्लाह ताला ने, मैं छोटी किताबें पढ़ता था, मैंने उनकी तकरीर सुनी थी, तो इस मकाम पे फरमा रहे थे तो साबित आ रही कि रुदा बन जली क्या, मरियम खजूर के तनों को हिलाना तेरा काम है और इन टेरियों का ताजा खजूर पेश करना तेरा काम है। मेरे बड़ा बाप को देखो कहां से दलील दी है कि खजूरों का मौसम बड़े अरसे से ये मौसम है, ताकीद करके तो ज्यादा से ज्यादा ही बनती, ये 25 दिसंबर है। फिर इनको कहा जाता है 25 दिसंबर जो विलादत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो फिर 1 जनवरी से तुम्हें शुरू करना चाहिए था। ये 25 दिसंबर जो मनाते हो क्रिसमस, तो ये तुम यकम से शुरू करो, क्योंकि इसलिए जनवरी से शुरू होता है। तो इसका जवाब दो क्या देते हैं, ख्याल करना कि 25 को विलादत हुई नहीं, तो 7 दिन के बाद उनका खतना हुआ, तो इसलिए जनवरी से फिर आगे यकम को साथ शुरू, सब मन गलत बातें, खतना हुआ, खतने के बाद फिर वो हालांकि विलादत को देखा जाए तो विलादत तो फिर बकौल तुम्हारे 25 को हुई है, तो फिर तुम्हारा ईसवी साल जनवरी से क्यों शुरू होता है? जिस तरह मुहर्रम सफर बाहर इतने दलायल है कि मैं 10 जुमे लगाऊं फिर भी खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कल किसी लिहाज से मुबारक, किसी लिहाज से उनकी खुशी में शरीक होना, जितना कहरा शास्त्री हो केक काटना। रात में इमाम मालिक रहमतुल्लाह जिनकी जिंदगी
فرماتے تھے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے مدینہ میں میری زندگی گزرے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتا رہا اور روز انور کو دیکھتا رہا. انہوں نے فرمایا اگر عیسائیوں کی خوشی کے لیے کوئی آدمی ایک تھوڑا سا بھی خرچ کر دے تو خنزیر ذبح کرنے کے مترادف ہے. یہ وہ مانک رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا فرما ہے کہ خنزیر ذبح کیا حلال سمجھا ہے. فرما کر تو ان کی خوشی کے لیے یہ جو کیک کاٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے, سبیلے لگانا ان کی خوشی کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. اب آپ جانیں, آپ کا نظریہ جانے, اور مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی آپ اس کرسمس میں کسی لحاظ سے خوش نہیں ہوں گے. نہ مبارک دینی ہے نہ مبارک لینی ہے. مبارک دینا بھی کفر, قبول کرنا بھی. کیوں؟ ایک آدمی وہ پریشان ہو یا خوش ہو, تو پریشانی کے لوگ خوش ہو جائے, خوشی میں پریشان ہو جائے. یا ایک آدمی پہ بہتان لگا ہے اور دوسرے اس دن خوشی منائے تو اس کے خیرخواہ ہوں گے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر اس کو لے کے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے, قرآن کہتا ہے وقار تخذر رحمان ولدا, کہتے رحمان نے اولاد بنا لی. عیسیٰ علیہ السلام یہ 25 دسمبر جو کل کرسمس ہے, میرے کئی ساتھی, میں دوسروں کو کیا کہوں, کئی ساتھی میرے نوجوان, عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے, وہ نہیں جی ویسے خوشی کے لیے میں موبائل پہ مبارک دے دی فنا نے دے دی. میں نے کہا جو بھی ایسے کرے, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ علماء سو ہو, چاہے نوجوان ہو, چاہے آپ ہو, چاہے کوئی ہو, اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے. فرما وقار اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی. کرسمس میں اولاد اللہ کا بیٹا ہے, اور میں کہتا ہوں قرآن میں یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں ہے. یا اللہ کتنا جلال میں آیا, فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ندا. اور نصرانی و عیسائیوں, عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہتے ہو, کرسمس مناتے ہو, لقد جئتم شیئا ندا, تم بہت بھاری چیز کو آئے ہو. فرماتا ہے زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں, وتخر الجبال حتا, اور پہاڑ کہتے ہیں ٹوٹ کے اس کو نیست و نابود کر دے. اس نے مبارک دے, مبارک ہو جی, کیک کاٹو جی. اب خود دیکھو کہ اللہ کو جس بات سے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ وتخر الجبال حتا, اور پہاڑ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس دن گرنا چاہتے ہیں, پاش پاش کرنا چاہتے ہیں. اور پوچھا گیا آسمان کیوں پریشان ہے, زمین آج تو کیوں پریشان ہے, پہاڑوں کیوں پریشان ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں الرحمن ولدا. لوگ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں اولاد کی, اور اللہ مرتخل صاحبۃ ولا ولدا قل ان کان للرحمن ولدا کان امر العابدین. کل کا دن اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے, اپنی ایمان کی حفاظت کر لو. جتنا بھی کہہ رہا دوست ہو, جتنی بھی کہہ رہی سہمی ہو, جتنے بھی کہہ رہے تعلقات ہوں, جتنے بھی تمہارے ساتھی ہوں, خیال کرنا نہ مبارک دینا نہ لینا, نہ کیک کاٹنا نہ اس پہ شرکت کرنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جو اللہ کی طرف حضرت عیسیٰ کی نسبت کرے, فرمایا ان کے ساتھ کوئی کسی چیز میں شریک ہو, فاروق کو بتانا تلوار تیار ہے, میں اس کا سر قلم کر دوں. باقی اس موضوع پہ کبھی میں اس کو انشاءاللہ آگے اور چلاؤں گا, اوپر ہو گیا اہم بات تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.